आपका नेट प्रॉफिट 5 से 6 रुपया पर किलो मिलता है। आप दिन भर में उसको 500 600 किलो निकाल दिया, आप 2,500 से 3,000 रुपया आप रोज का कमा सकते रोज हो। का कमा सकते हो। दोस्तों ये कपड़े धोने का साबुन है और ये बर्तन धोने का साबुन है। आप एक ही मशीन से ये दोनों प्रोडक्ट निकाल सकते हो और एक ही मशीन से दो बिजनेस कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम साबुन बनाने के बिजनेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये बिजनेस कभी नहीं रुकने वाला बिजनेस है, क्योंकि हर सुबह को हर इंसान को नहाने का साबुन की ज़रूरत होती है या कपड़े धोने का साबुन की ज़रूरत होती है। आज हम साबुन बनाने के बिजनेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों हमारे साथ है हितेश भाई। हितेश नमस्कार। भाई नमस्कार। नमस्कार। हितेश भाई हमें बताएं कि हम इस मशीन का यूज़ करके साबुन कैसे बना सकते हैं। रौनक भाई, ये मशीन से आप दो टाइप का साबुन बना सकते हो, एक कपड़ा धोने का डिटर्जेंट साबुन और बर्तन धोने का भी डिश वॉशिंग बार भी बना सकते हो। ये मिक्सर मशीन उसमें होता है, मिक्सर मशीन, फ्लोडर मशीन और कटिंग मशीन, ये तीन टाइप के मशीन के अंदर आप साबुन बना सकते हो। मिक्सर मशीन में मटेरियल मिक्सिंग हो जाएगा, मिक्सिंग अनलोड करने के बाद ये फ्लोडर मशीन में डालने से ये उसका डाई है उसको वो शेप और ग्राम से ये साबुन का लंबा बार निकलेगा। ये लंबा बार निकलने के बाद आप एक मैन्युअली लंबा बार कटिंग करके ये उसका सेमी मैन्युअल कटिंग मशीन है उसमें आप लंबाई उसकी लेंथ सेट करके वजन का ग्रामेज सेट करके उसमें आप काट सकते हो। ये मैनुअल मशीन है, ये उसका सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, उसको आप मोटराइज मशीन है ये, और मोटराइज मशीन में आप उसके अंदर उसकी लेंथ भी सेट कर सकते हो, उसका फ्रेम है एडजस्टेबल, और उसके ऊपर आपका जो ब्रांड नेम होगा वो ब्रांड नेम भी एम्बोज हो जाएगा। तो ये तीन मशीन से आपका पूरा डिटर्जेंट साबुन, कपड़ा धोने का और बर्तन का डिश वॉशिंग बार दोनों बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही मशीनरी काम की है, क्योंकि हम एक ही मशीन से हम दो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक तो हम कपड़े धोने का साबुन भी बना सकते हैं और बर्तन साफ करने का भी हम साबुन बना सकते हैं। एक ही मशीन से हम दो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हितेश भाई, ये मशीन का हम देखें तो सर्विसिंग और मेंटेनेंस किस तरह का होता है? सर्विसिंग बहुत नॉमिनल है। ये मशीनों में ज़्यादातर ऑयल ही चेंज करना पड़ता है, ऑयल और ग्रीस, और सबका पॉइंट रखा हुआ है सब जगह पे। ऑयल पानी यानी कि ये गेयरबॉक्स है, तो गेयरबॉक्स में हर 6 महीने में उसका ये डिस्चार्ज बटन है वो खोल के आपको पुराना ऑयल निकालने के बाद उसमें नया ऑयल भरना पड़ता है। हर 6 महीने में ये ऑयल चेंज करो, या ग्रीस पॉइंट है वहाँ पर ग्रीस करो, ऑयल पॉइंट है वहाँ पर ऑयलिंग करो। बाकी उसमें ज़्यादातर मेंटेनेंस 5 साल में कोई आता नहीं है। और इसमें बिजली का बिल हम देखें तो किस तरह का होता है? बिजली का बिल ऐसा है कि ये मशीन पूरा का पूरा वर्किंग में रहेगा। छोटे से छोटा जो मशीन है उसमें मिनिमम 15 HP की मोटर लगी रहती है, 7.5 7.5 मिक्सर मशीन में 7.5 का, प्लोडर मशीन में 7.5 का। और आपका ये बिजली का बिल आपके हर एक स्टेट में अलग अलग उसका चार्जेस होता है, वो हिसाब से आपका यूनिट रहेगा। ये मिक्सर मशीन, ये मिक्सर मशीन, और ये मिक्सर मशीन भी तीन टाइप का आता है। ये सबसे छोटा 100 किलो का मिक्सर है, ये 250 किलो का अंडर प्रोसेस है ये मशीन, ये 250 किलो का मिक्सर है। उसके ऊपर 500 kg का भी मिक्सर आता है। तो आपकी प्रोडक्शन जो नया बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो छोटे लेवल से आप स्टार्ट करके आप बड़े लेवल में जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको छोटा सा छोटा मशीन का सेटअप लेके आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो, फिर बाद में आपको कितना भी ऑटोमेशन करना है तो हम आपको करवा के दे सकते हैं। और ये छोटा मशीन आपको 1 घंटे में 100 किलो का प्रोडक्शन आराम से करके देगा। साबुन का पैक करने का मशीन जो है वो आप डिटर्जेंट पाउडर का रोटरी सीलिंग मशीन से भी आप कर सकते हो, हैंड से भी कर सकते हो। उसका आपने पॉलीथीन वाला पाउच बनाया तो आपको कागज का करना है तो कागज के आपको मैनुअल फोल्ड करना पड़ेगा, और आपको हीटर बॉक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो क्या है, पॉलीकोटेड पेपर जो रहता है हीटर बॉक्स के ऊपर आप फोल्ड करके उसको व्रैप करके मैनुअल घिस लेंगे तो अंदर से चिपक जाएगा, तो आपको ये कागज का भी पैकिंग हो जाएगा। दोस्तों शुरुआत में फुल्ली ऑटोमेटिक यानी कि कागज का पैकिंग भी ऑटोमेटिक आता है, लेकिन वो हम नहीं बनाते, हम आपको प्रोवाइड करा के देंगे। लेकिन वो मशीन बहुत एक्सपेंसिव मशीन है, शुरू का स्टेज में आपको उतना बड़ा एक्सपेंस करने का जरूरत नहीं है। नहीं है
सही है आपकी बात, सही। शुरू में हम छोटे लेवल पे भी, छोटे लेवल पे हम शुरू करके हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ओके, तो छोटे लेवल पे बिजनेस का ये और तीन मशीन से हम शुरू कर सकते हैं। हाँ। दोस्तों साबुन बनाने के लिए आप तीन मशीनों की ही जरूरत पड़ती है और उसे आप साबुन बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हितेश भाई, हमारे कस्टमर को ये मशीन आपसे खरीदना है और ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो इसके लिए कुल कितना खर्च होगा वो आप बता सकते हैं? हाँ जी रौनक भाई, ये सबसे छोटा जो मेरा स्टार्टअप लेवल बेसिक जो मॉडल है वो 100 किलो का मिक्सर, 5 इंच का प्लोडर और मैनुअल कटिंग मशीन, तो ये तीन मशीन से आप एक घंटे में 100 किलो प्रोडक्शन आराम से कर पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट चालू करने के लिए मशीनरी कॉस्ट आपको ओनली फॉर अभी आज के दिन में 2 लाख रुपया है, और उसके आगे जाएंगे तो उसमें 18% GST लगेगा, आप जहां ले जाना है उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग से लगेगा। तो ये मशीनरी कॉस्ट इतना बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और आप आराम से उसमें 500 से 600 किलो प्रोडक्शन आराम से कर पाएंगे। और उसका साबुन बनाने के लिए डिटर्जेंट सोप हो या बर्तन का साबुन हो, ये बनाने के लिए आपको मिनिमम 5 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट बचेगा। तो आप 500 किलो भी बना दिया रोज का और बेच दिया तो 5 रुपये के हिसाब से आपको 2500-3000 रुपया आराम से दिन का मिल सकता है। एक किलो और ये बजट आपका पूरा जाएगा रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल, ये मशीनरी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टेक्नीशियन कॉस्ट, सब मिला के आपको ये बिजनेस चालू हो जाएगा 3 से 6 लाख रुपये में आपका प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। इतने कम रुपये में आप कोई भी प्रोजेक्ट चालू नहीं कर सकते हो। नहीं, आपकी बात सही है। और ये FMGC प्रोडक्ट जो है डेली यूज होने का प्रोडक्ट है। सही है, तो हर एक घर के अंदर साबुन और कपड़ा धोने का साबुन और कपड़ा धोने का पाउडर यूज होता ही होता ही है। चाहे वो रोड पे सोने वाला आदमी सोने वाला हो, या पैसे वाला हो, गरीब वाला हो, गरीब कोई भी लोग है, हर हर दिन कपड़ा धोने का जरूरत, हर दिन हर रोज चलने वाला बिजनेस है। दोस्तों ये बिजनेस हर दिन हर रोज चलने वाला बिजनेस है। कपड़ा धोने का साबुन और बर्तन का साबुन दोनों बना सकते हो। और ये जो मशीन है आपको छोटे से छोटा जो मशीन है वो एक घंटे में 100 किलो प्रोडक्शन करके देगा, यानी कि दिन भर में आप 500-600 किलो प्रोडक्शन आराम से देगा। और ये मशीन में आपको तीन मशीन का आवश्यकता रहता है, मिक्सर मशीन, प्लोडर मशीन और उसका कटिंग मशीन। कपड़ा धोने का जो साबुन या तो बर्तन का जो साबुन है उसमें भी आपका नेट प्रॉफिट 5 से 6 रुपया पर किलो मिलता है। आप दिन भर में उसको 500-600 किलो निकाल दिया, आप 2500-3000 रुपया आप रोज का कमा सकते हो। रोज का कमा सकते हो। दोस्तों ये कपड़े धोने का साबुन है और ये बर्तन धोने का साबुन है, आप एक ही मशीन से ये दोनों प्रोडक्ट निकाल सकते हो और एक ही मशीन से दो बिजनेस कर सकते हो। हितेश भाई, ये बिजनेस हम गांव में शुरू कर सकते हैं? नहीं रौनक भाई, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये गांव में चालू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। रौनक भाई, सबसे बढ़िया जो मार्केट है वो गांव का ही है। हाँ जी, आप जो शहरों को छोड़ के, शहरों में आपको कंपटीशन आएगी, आप छोटे गांव में या तो आप बनाओ शहर में और बेचो गांव में तो भी बढ़िया रहेगा। और गांव में आपका खुद का जो जमीन है, ये है अपना घर है, तो आप हर एक गांव में, आपको मैं बताऊं कि 30 साल हो गया हमने इंडिया के इतने छोटे छोटे गांव में मशीन भेजे हैं कि जिसका हमने कभी नाम नहीं सुना है। इतने सारे राज्य के अंदर छोटे 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 जो गांव है, तो हर एक गांव गांव के अंदर ये साबुन और पाउडर का बिजनेस चालू हो गया है और भी ज़्यादा चालू होगा, क्योंकि पॉपुलेशन जितना ज़्यादा है उतना प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और अपना खुद का नाम बना के सब लोग बेचते हैं। दोस्तों ये बिजनेस हम गांव से भी शुरू कर सकते हैं, साबुन बनाने का बिजनेस हम गांव से भी हम शुरू कर सकते हैं। और हमारे कस्टमर को ये खरीदना है, पूरे इंडिया में हम हमारे सब्सक्राइबर है, तो उसको ये मशीन खरीदना है, तो उसको अब किस तरह की सहायता दे सकते हो? मतलब कि उसको ट्रांसपोर्टेशन या एडवांस में या किस तरह का दे सकते हो? रौनक भाई, कस्टमर इज गॉड। सही है, सबसे पहले तो कस्टमर भगवान है। आपकी चैनल के माध्यम से कस्टमर जो हमारा कांटेक्ट करेंगे, आप हमारा टेलीफोन नंबर वगैरह सब उसके अंदर डालेंगे, सब डालेंगे और वो तो आ ही जाएगा। वो कस्टमर आपका हमारे पास फोन करेंगे तो हम उनको पूरा सिस्टम समझाएंगे, तो वो हमको ऑर्डर करने के टाइम पर हमको एक 40% एडवांस, हमारा एक बेसिक जो सिस्टम है
तो वो 40% अमाउंट एडवांस भेजना पड़ेगा, वो 40% एडवांस जमा होने के बाद उनका मशीन बनना चालू हो जाएगा। तो ये मशीन को ट्रांसपोर्ट में हम डाल देंगे, ट्रांसपोर्ट का हम सेटिंग करवा देंगे। आपको ये बिजनेस के अंदर एकदम नए है तो हम आपको एक टेक्नीशियन प्रोवाइड करेंगे, वो टेक्नीशियन आपके पास आएगा और पूरा का पूरा सिस्टम आपको फर्स्ट लेवल से लेके लास्ट लेवल तक का पूरा समझा देगा। और मशीन का चला ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका मेंटेनेंस सिस्टम, साबुन और पाउडर या नहाने का साबुन बनाने का आपको नहीं आता है तो उसकी पूरी फॉर्मुलेशन, वो हफ्ता दिन रुकेगा और उसको आपको पूरा सेटअप कर देगा। और आपके साथ हम मशीन बेचने के बाद हम कोई ऐसा बस हो गया बात हो गया ऐसा नहीं है, आपके पास आपका प्रोडक्शन निकल जाए तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आफ्टर सेल यानी कि आपका एक साल में तो कोई प्रॉब्लम आएगा तो कंपनी उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो आपको पूरा गारंटी मिलता है, लेकिन आपको आफ्टर 5 ईयर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारी कंपनी से आपको मेंटेनेंस का कोई भी पार्ट चाहिए तो आपको मिल जाएगा। जो भी चार्ज रहता है वो नॉमिनल चार्ज में हम आपको सप्लाई कर सकते हैं, या तो कोई पार्ट खराब हो गया आप हमको मंगवा सकते हो। ये मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो। यानी कि एक साल तक इस मशीन की वारंटी रहेगी, सही है ना? इसके बाद भी उसका जो मेंटेनेंस खर्च है बहुत ही लो है और वो भी आपको यहाँ आपको मिल जाएगा, कॉस्टली ज़्यादा नहीं रहेगी। और हमारे कस्टमर आप कहीं पर हो, ऐसा नहीं कि गुजरात में हो, गुजरात के बाहर भी आप बिना टेंशन के, कोई भी परेशानी के बिना आप साबुन बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हो और मशीनरी खरीद सकते हो। बहुत ही ये विश्वासपूर्ण है और आपको पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग देंगे। जब तक आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकोगे, इसमें प्रॉफिट नहीं कमाओगे, तब तक हम सहायता करेंगे। ये बिजनेस करते करते 30 ईयर्स हो गया और हमारा करीबन 3,000 से ज़्यादा मशीन पूरे इंडिया लेवल पे, यानी कि अहमदाबाद गुजरात को भी साथ में लेके पूरे इंडिया लेवल में हमारा मशीन चलता है। 3,000 से ज़्यादा मशीन हमारा चलता है और करीबन 20 से 25 कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। सही है, आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये बहुत ही बड़ा बिजनेस कंपनी है, आपको हर तरह की सहायता दे सकती है। बहुत ही पुरानी है, उसको सभी तरह की एक्सपीरियंस है कि साबुन न बनाने की मशीन में कौन कौन सी दिक्कतें आती है और इसी तरह से उन्होंने ये मशीन बनाया कि आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से आप पैसा कमा सकते हो। हितेश भाई, हमारा जो कस्टमर है वो खरीदना चाहे तो आप उसका लोन करना चाहे तो किस तरह की आप सहायता कर सकते हो? सपोर्टिंग के लिए क्या है कि हम कस्टमर को उनके नाम का, जो नाम से उनको लोन लेना है उनके नाम का हम कोटेशन बना के देंगे। वो अपनी बैंक में जाके ये कोटेशन दिखा के, अभी आजकल बहुत सारी योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री योजना और बहुत सारी मुख्यमंत्री योजना सब जगह पे चल रही है, सब्सिडियां भी चल रही है, तो ये वैलिड है हमारा कोटेशन। वो कोटेशन में जाके उसका पूरा प्रोजेक्ट लगा के अपना लोन ले सकते हैं। हम नहीं जानते और आप देना चाहते हो हमारे कस्टमर को साबुन बनाने के बिजनेस में, क्योंकि आप तो बहुत पुराने हो, आपको सभी तरह की जानकारी है और दिक्कतें क्या आती है, इसमें क्या क्या रुकावटें हैं वो भी आप जानते हो, तो हमारे कस्टमर को आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, ताकि वो उसको सही इन्फॉर्मेशन मिले, बिजनेस कर सके और वो भी रुक न सके, कहीं भी फंस न सके और अच्छी कमाई कर सके, उनका कोई पैसा कहीं पर गलत जगह भी पैसा न फंस जाए, हो जाए। रौनक भाई, सबसे पहली बात तो ये आइटम जो है बहुत एवरीडे यूज होने वाली आइटम है, उसमें एक उसका ये है कि भी उनमें ये प्रोडक्ट बेचने में आपको कंपटीशन ज़्यादा आएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करने वाले पूरे देश में जितनी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी पॉपुलेशन को यूज करने वाली चीज है ये, तो ये प्रोडक्ट का मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो आप ऐसा मत सोचो कि ये प्रोडक्ट लेके हम आपको कोई प्रॉब्लम आएगा, खाली आप ईमानदारी से काम करेंगे, सही माल बनाएंगे तो
अपना मार्केट अपने आप हो जाएगा। सही है, सही है, आपका ब्रांड नेम एक बार लेडीज के दिमाग में फिट हो गया आगे। तो वो लेडीज दुकान पे जाके आपका ही प्रोडक्ट मांगेगी। आप अच्छा माल बनाओ, वाजिब दाम दो और लालच बड़ा नहीं करो तो आपका बढ़िया काम चलेगा। और ये मैं बिजनेस बोलता हूँ कि शुरू से एकदम छोटे लेवल से आप स्टार्ट करो। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि डिटर्जेंट पाउडर हो, डिटर्जेंट टिकिया हो या नहाने का साबुन तो बहुत बड़ा थोड़ा हो गया क्योंकि उसमें लाइसेंस कॉस्मेटिक्स का वगैरह सब लेना पड़ता है, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया के अंदर इतना छोटा इन्वेस्टमेंट, इतना छोटा, आज 6-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट डिटर्जेंट पाउडर और टिकिया के आप बोलो तो दोनों प्रोडक्ट आपको चालू करना है। उसमें आप 3 प्रोडक्ट बना देंगे, डिटर्जेंट टिकिया भी बना देंगे, कपड़ा धोने का साबुन भी बन जाएगा, कपड़ा बर्तन का साबुन बन जाएगा और कपड़ा धोने का पाउडर बन जाएगा। तो ये दोनों एक साथ में आप चालू करेंगे तो मिनिमम आपके 10-12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। आज से 10-12 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपकी मशीनरी भी आ गई, रॉ मटेरियल भी आ गया, पैकिंग मटेरियल भी आ गया और आपका वर्किंग कैपिटल भी आ गया। 10-12 लाख रुपए के बिजनेस में आप दिन भर में डिटर्जेंट पाउडर 1 टन और 500-600 किलो डिटर्जेंट टिकिया, तो यानी कि आपका 5,000 से लेके 7,000 तक का प्रॉफिट कमाने का हर रोज का यानी कि आप इतने कम इन्वेस्टमेंट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। ये मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करें ताकि आप हर रोज बिजनेस के नए नए वीडियो देख सकें।